हेलो फ्रेंड, माई सेल्फ विशाल एंड वेलकम टू मिस्टर धावन इंडिया यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, अगर आप कहीं बाहर जाते हो और आपका मोबाइल होता है वो डिस्चार्ज हो जाता है, तो आपके जो सारे काम होते हैं वो सारे के सारे ठप हो जाते हैं। जैसे कि मैं सारा काम अपने मोबाइल से करता हूँ, आपको पता है, एडिटिंग वीडिटिंग सारा काम करता हूँ मोबाइल से, ठीक है। तो इसमें सारी एडिटिंग सारा काम करना होता है, लेकिन ये डिस्चार्ज हो जाता है तो मैं सारा काम नहीं कर सकता हूँ। तो इसके लिए फ्रेंड्स, मैं पावर बैंक का यूज़ करता हूँ कहीं भी जाता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो पावर बैंक EMI का है और लगभग 800-900 रुपये का मुझे मिला था, ठीक है। तो इसके अंदर फ्रेंड दो मोबाइल एक साथ चार्ज कर सकते हैं, और एक जो है यहाँ पर इसको चार्ज करने के लिए एक बटन है, ठीक है। ये 900 रुपये का 10,000 mAh का है, लेकिन फ्रेंड्स ये काफ़ी ज़्यादा रेट की है, इसका रेट काफ़ी ज़्यादा है और सब लोग इसे परचेस नहीं कर सकते। और इसके जो फंक्शन है वो काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन फ्रेंड्स काफ़ी महंगा पड़ता है। लेकिन फ्रेंड मैंने यहाँ पर एक पावर बैंक बनाया है, जैसे देख सकते हो आप, इसमें उससे ज़्यादा फंक्शन है। जैसे आप देख सकते हो इसमें एक डिस्प्ले है, जो इसकी बैटरी है उसके परसेंटेज दिखाएगी आपको कितना परसेंट आपकी बैटरी है। उसके बाद फ्रेंड्स इसमें दो मोबाइल एक साथ चार्ज कर सकते हो आप, इसमें एक इसका खुद को चार्ज करने के लिए सॉकेट लगा हुआ है बीच में। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर एक टॉर्च मिल जाती है आपको, अगर कहीं रात में आप कहीं जाते हो तो इसके टॉर्च का यूज़ कर सकते हो, और आप अंधेरे में भी कुछ चीज़ ढूंढ सकते हो, तो आपको टॉर्च का भी हो जाएगा, ठीक है। और काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज है फ्रेंड, देख सकते हो, मैंने इसके आपके लिए सोच के ही बनाया। आप इसे जेब में भर सकते हो कहीं पर भी, ऊपर वाले जेब में भी आ जाएगा आपका इस टाइप से, और इसको आप लगा सकते हो अपने कहीं पे भी, ठीक है, इस टाइप से आ जाएगा। और काफ़ी छोटी साइज़ है और काफ़ी अच्छा आपके लिए बनेगा, 300 रुपये में बनकर तैयार हो जाएगा। तो वीडियो आप पूरी लास्ट तक देखना, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे मेरी हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो फ्रेंड यहाँ पर मैं पावर बैंक बनाने के लिए पावर बैंक मॉड्यूल लूँगा, और फ्रेंड जी 250 रुपये का मुझे ऑनलाइन मिला, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इसका, अगर आपको खरीदना है तो। और फ्रेंड अगर आप बोलोगे 250 रुपये में, तो पूरा एक पावर बैंक ही मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स एक बार उसे खरीद के देख लेना आप, 250 रुपये वाले या फिर 100 रुपये वाले पावर बैंक को, आपको खुद को पता लग जाएगा कि वो आपको महंगा पड़ा है या फिर सस्ता पड़ता है। और फ्रेंड्स अगर आप सस्ता वाला पावर बैंक खरीदते हो तो आपको मोबाइल को भी उससे खराबी हो सकती है, क्योंकि वो कम ज़्यादा वोल्टेज निकालता रहता है, लेकिन ये आपके लिए एकदम सही रहेगा। और इसकी बॉडी बनाने के लिए यहाँ पर मैं MDF बोर्ड का यूज़ करूँगा, और इसका जो फ्रेंड साइज़ है मैंने आपको स्क्रीन पे दे दिया है, आपको किस साइज़ का इसका बॉडी बनाना है आप अपने हिसाब से भी ले सकते हो, इसको कितना बड़ा रखना है, लेकिन मैंने जो साइज़ लिया है वो आपको स्क्रीन पे दिखा दी है। इसके बाद फ्रेंड जो मैं एक टुकड़ा ले रहा हूँ आगे जो बॉडी के सामने लगेगा, और उसको मैंने यहाँ पर देख सकते हो आप, मैंने कुछ मार्किंग कर ली है। तो ये जो मार्किंग की है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं इसे कट कर लूँगा, ताकि जो हमारा इसमें सॉकेट है वो फिक्स हो जाएगा। और इसे कट करने के लिए मैं हेक्सा ब्लेड का यूज़ कर रहा हूँ फ्रेंड्स, ये आपको हार्डवेयर की शॉप पर आराम से मिल जाएगी। और फ्रेंड्स मैं अपने चैनल पर सारी वीडियो रियल बनाता हूँ, कोई सी वीडियो फेक नहीं होती, आप जाके देख सकते हो चैनल पे। और फ्रेंड्स सारी वीडियो आपके लिए यूजेबल बनाता हूँ मैं, ताकि आपके रियल लाइफ में काम आ सके। और फ्रेंड्स ये जो मॉड्यूल है थोड़ा महंगा आया है 250 रुपये का, लेकिन फ्रेंड्स इसके अंदर आपको फंक्शन भी मिल जाएंगे बहुत सारे। तो जैसे देख सकते हो MI का जो है 900 रुपये का मिला है, लेकिन ये आपको 300 में तैयार होकर बन जाएगा, तैयार हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड इस टाइप से मैंने कट कर लिया है, और उसके बाद फ्रेंड आपको जो ऊपर वाला जो भाग है हमारा बॉडी का वो लेना है, उस वाले MDF बोर्ड के टुकड़े को, और जो हमारा डिस्प्ले है इस वाले साइज को हमें कट करना है। तो इस टाइप से मैंने इसको ऊपर रखा है, और इसकी जो मार्किंग देख सकते हो इस टाइप से लेकर मैंने यहाँ पर कर ली है, ताकि मैं इसको कट कर सकूँगा। और इसको किस टाइप से कट किया है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा यहाँ पर। तो आपको एक किसी हार्ड सरफेस पे इसको रख लेना है, उसके बाद आपको एक सीधी चीज़ लेनी है, जैसे स्केल ले लीजिए आप, और हेक्सा ब्लेड को आपको लेना है इस टाइप से, और जहाँ से मार्किंग की है फ्रेंड्स वहाँ से हेक्सा ब्लेड को धीरे धीरे चलाना है इसके ऊपर। तो इससे क्या होगा फ्रेंड, इसके बीच में आपको कट लग जाएगा, और कट जहाँ से लगेगा वहाँ से कट हो जाएगा धीरे धीरे। तो इस टाइप से आपको हेक्सा ब्लेड चलानी है फ्रेंड्स, और यहाँ पर देख सकते हो हमारा कट लग चुका है, और इस टाइप से मैंने इसको कट कर लिया है। और इसके बाद फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हो डिस्प्ले हमारी इस टाइप से इसमें शो होगी। तो फ्रेंड्स ये हमारा फिक्स हो चुका है यहाँ पर। इसके बाद इसको ऊपर वाली जो बॉडी है मैं इसको यहाँ पर फिक्स कर लूँगा, जहाँ पर हमारे सॉकेट है, चार्जिंग सॉकेट वो लग जाएंगे। इसके बाद फ्रेंड यहाँ पर एक पट्टी ले रहा हूँ मैं, छोटी वाली टुकड़ा कट किया है मैंने। इसका कारण ये फ्रेंड्स कि जब भी हम इसमें पिन लगाएंगे और हमारी USB पिन, तो इसको हमें पीछे की साइड में पुश करना होगा, जिससे हमारी अगर ज़्यादा पुश करेंगे हम तो ये पीछे साइड में हमारा मॉड्यूल निकल जाएगा, और हमारा ये बाद में ख़राब हो जाएगा, तो ताकि हम इसमें पिन नहीं लगा पाएंगे फिर। तो ये हमें इस मॉड्यूल को पीछे पुश होने से रोकेगा, और ऊपर की साइड में मैंने लगा दिया है, और साइड में भी मैंने लगा दिया है, ताकि ये हमारा जो बटन है इसको हम प्रेस करेंगे तो ये साइड में ना सरके, इसलिए, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, वरना आपका बनने के बाद पूरा ख़राब हो सकता है, ये मॉड्यूल सरक जाएगा अंदर की साइड में। तो आपको बिल्कुल ध्यान से इसमें इस टाइप से इसको लॉकिंग लगानी है, ताकि आपका मॉड्यूल है वो इधर उधर सरके नहीं, और ऊपर नीचे ना हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये छोटी मोटी बात है, आपको कोई यूट्यूबर नहीं बताएगा कि आपको क्या ध्यान रखना है, किस टाइप से कटिंग करनी है, किस टाइप से आपको इसमें फिक्सिंग करनी है।
तो इस टाइप से फ्रेंड यहाँ पर LED जो है हमारी, इसका मैंने कट कर लिया है, एक होल कर लिया है और इस टाइप से यहाँ पर मैं इसको चिपका दूंगा। इसके बाद फ्रेंड जो हमारे दूसरी साइड में एक बटन भी है, प्रेस बटन, तो इसके लिए हमें मैंने होल कर लिया है एक, देख सकते हो आप MDA बोर्ड में, लेकिन हम यहाँ पर इसे डायरेक्ट नहीं लगा सकते, बटन हम लगा नहीं सकते, इसको दबा नहीं सकेंगे यहाँ पर। तो इसके लिए यहाँ पर मैं एक शाफ्ट ले रहा हूँ लोहे की और इसको यहाँ पर होल में लगाऊंगा और इसके इस साइज़ का मैं कट कर लूँगा। इससे मैं एक बटन बनाने वाला हूँ फ्रेंड्स, तो आप देखिए वीडियो आगे। और इसे हेक्सा ब्लेड से यहाँ पर कट कर लूँगा मैं छोटा साइज़ में, इस टाइप से देख लीजिए आप। इसके बाद फ्रेंड यहाँ पर मैं एक लोहे की पत्ती ले रहा हूँ, उसके पीछे की साइड में लगाऊंगा फेविक के द्वारा, या फिर आप सुपर ग्लू जो होता है उसके द्वारा भी लगा सकते हो इसको। तो ये क्या काम करेगी मैं आपको दिखाता हूँ अभी, कि MDA बोर्ड जो है फ्रेंड्स, हम इसे अंदर की साइड में लगाएंगे, अगर डायरेक्ट लगा देते हैं तो ये बाहर निकल सकता है, लेकिन ये मैंने पत्ती लगाई फ्रेंड, ये इसे अंदर की साइड में रोकेगी और इस टाइप से हम इसे पुश करेंगे तो हमारा जो बटन है वो हमारा दब जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर लगा कर एक बार इसको, तो जैसे देख लीजिए फ्रेंड्स, जो यहाँ पर मैंने इसको इस टाइप से लगा दिया है, अब मैं जैसे पुश करता हूँ इसको तो हमारा जो बटन है वो प्रेस होता है। तो फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा है ये आइडिया, आप अपने किसी भी और प्रोजेक्ट में भी लगा सकते हो इसको इस टाइप से। तो यहाँ पर मैंने चिपका दिया और अच्छे से हमारा वर्क कर रहा है, देख सकते हो मैं जैसे इसको दबाता हूँ हमारा बटन प्रेस हो रहा है। इसके बाद इसे मैं बॉक्स को पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ, तो देख लीजिए मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब फ्रेंड्स ये हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है, इसमें बैटरी लगानी है। तो फ्रेंड ये जो देख सकते हो 12 बैटरी है, ये मैंने लगभग 80 रुपये में खरीदी है। आप सोचोगे यार 80 रुपये में से एक मिलती है, लेकिन मैंने 80 रुपये में इतनी ज़्यादा कैसे खरीद लिए। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा हाउ टू मेक 12 वोल्ट बैटरी, 12 वोल्ट 6-8 एम्पियर बैटरी, तो वो वाला वीडियो देखिए, उसमें मैंने आपको पूरा दिखाया कि आप 80 रुपये में इतनी सारी बैटरी कैसे खरीद सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको, तो वहाँ से आप उसे देखिए ज़रूर। तो मैं यहाँ पे 3 बैटरी का यूज़ करूँगा फ्रेंड्स, ज़्यादा बैटरी नहीं लगाऊंगा मैं, क्योंकि फिर हमारी पावर बैंक को काफ़ी बड़ा बन जाएगा। तो यहाँ पे 3 बैटरी लेनी है और फिर आपको ध्यान रखना है इस मॉड्यूल के अंदर 3.7 वोल्टेज नहीं देना है, ज़्यादा वोल्टेज दोगे फ्रेंड तो वो ख़राब हो जाएगा और आपका पैसे है वो बिगड़ जाएंगे। तो आपको क्या करना है, जिसके प्ले और जो माइनस माइनस वाले पॉइंट है उनको सोल्डरिंग करना है। आपको ध्यान रखना है इसे पैरेलल में हमें कनेक्ट करना है, सीरीज में नहीं करना है। तो प्लस प्लस वाले सारे कनेक्ट करेंगे एक साथ और माइनस माइनस वाले एक साथ कनेक्ट करने हैं। तो मैं आपको यहाँ पर कनेक्ट करके दिखा देता हूँ एक बार। तो यहाँ पर मैं सोल्डरिंग के साथ में फ्रेंड्स एक कॉपर का वायर यूज़ कर रहा हूँ, मोटा वाला, देख सकते हो आप। अगर आपको ये नहीं मिलता है फ्रेंड तो आप दूसरा वाला वायर जो होता है हमारे घर में वायरिंग की जाती है उसका भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं अच्छा दिखने के लिए यहाँ पर इसका यूज़ कर रहा हूँ। देख लीजिए फ्रेंड यहाँ पर मैंने फटाफट से सोल्डरिंग करके दिखा दिया आपको, वीडियो लंबी करना मेरा मकसद नहीं होता है। तो यहाँ पर इस टाइप से देख लीजिए, ये इसका कनेक्शन हो चुका है, प्लस प्लस एक तरफ और माइनस माइनस एक तरफ, तो ये हमारा हो जाएगा। इसके बाद हमें इसके अंदर फिट करना है। तो इसकी वायरिंग फ्रेंड काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। आप इसमें मॉड्यूल में देखिए यहाँ पर B- और B+ लिखा हुआ, B- का मतलब बैटरी का माइनस वाला सिरा और B+ का मतलब बैटरी का प्लस वाला सिरा है। और आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना, काफ़ी सिंपल सा प्रोजेक्ट है ये, आप अपने हिसाब से बना सकते हो। अगर आप 9th क्लास में 10th क्लास में पढ़ रहे हो तो भी आप इसे बना सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप से आपको यहाँ पर लगाना है और उसके बाद यहाँ पर हम सोल्डरिंग कर लेंगे इसको। और फ्रेंड आपको एक बार और मैं बता देता हूँ, इसके अंदर 3.7 वोल्ट से ज़्यादा आपको वोल्टेज नहीं देना है। आप बोलोगे यहाँ पर 3 बैटरी लगाइए फ्रेंड, तो यहाँ पर मैंने 3 बैटरी से तो हमारा 11 या फिर 12 वोल्ट बन जाएगा। तो फिर यहाँ पर मैंने इसे पैरेलल में कनेक्ट किया, जिससे हमारा जो एम्पियर बढ़ेगा ना कि वोल्टेज बढ़ेगा, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड इसे मैं ऊपर का जो केप है वो कंप्लीट कर देता हूँ इसको लगाकर, उसको मैंने नीचे से फेविक से चिपका दिया बैटरी इसको, ताकि हमारी हिलेगी नहीं अंदर, आपको भी चिपकाना है इसे, ठीक है। तो चिपकाने के बाद फ्रेंड्स इसके ऊपर मैं केप लगा दूंगा, ये वाला ऊपर जो हमारा बॉक्स है, इसे कंप्लीट कर देता हूँ यहाँ पर, कंप्लीट चिपका देता हूँ इसको, ठीक है। चिपकाने के बाद जैसे देख सकते हो इसकी जो किनारे है वो शार्प है, तो अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसके लिए यहाँ पर मैं सैंड पेपर का यूज़ करूँगा और इसको रफ करके अच्छे से क्लीन कर देता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो देख सकते हो ये मैंने पूरा इसको यहाँ पर क्लीन कर दिया और हमारा अच्छा दिखने लगा है। फ्रेंड अपने भी क्रिएटिविटी दिखा सकते हो इसके अंदर, आप इसमें कलर कर सकते हो या फिर कोई डिजाइनिंग पेपर होता है उसको चिपका सकते हो, आप अपने हिसाब से इसमें क्रिएटिविटी दिखा सकते हो या फिर कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि इसमें क्या और कर सकते थे हम जिसे अच्छा दिखे, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पर मैं आपको चला कर दिखा देता हूँ एक बार इसको, आप इसे बटन को लॉन्ग प्रेस करोगे तो ये हमारी डिस्प्ले ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगी और आपकी जो बैटरी होगी उसको परसेंटेज दिखाएगी, जैसे देख सकते हो यहाँ पर 7% दिखा रहा है। इसके बाद वापस इसे लॉन्ग प्रेस करोगे तो हमारी जो बैटरी जो हमारी डिस्प्ले है वो बंद हो जाएगी, और इसे डबल प्रेस करोगे तो हमारी जो टॉर्च है वो ऑन हो जाएगी। फ्रेंड यहाँ पर अभी दिन है और अभी मैंने लाइट चालू करेगी सारी, तो आपको टॉर्च ज़्यादा दिखेगी नहीं, लेकिन अच्छा खासा ये उजाला दे देती है। इसके बाद फ्रेंड इसे डबल प्रेस करोगे तो लाइट बंद हो जाएगी, लॉन्ग प्रेस करोगे तो वापस चला के दिखा देता हूँ आपको कि ये किस टाइप से आपको यूज़ करना है, इसके जो क्या क्या फंक्शन है। तो इसमें फ्रेंड्स यहाँ पर बटन लगा हुआ है, तो इस बटन को आप जैसे लॉन्ग प्रेस करोगे तो उसकी जो डिस्प्ले है फ्रेंड यहाँ पर ऑन हो जाएगी, आप देख सकते हो।
तो जैसे इस डिस्प्ले में आप ऑन होगी और यहाँ पर इसकी परसेंटेज दिख जाएगी, इसकी कितनी परसेंट बैटरी है चार्ज है और कितनी परसेंट चार्ज नहीं है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड इसे वापस लॉन्ग प्रेस करके लगाओगे आप तो जो इसकी डिस्प्ले है वो बंद हो जाएगी ऑटोमेटिकली, यहाँ पर देख सकते हो। और अगर आप इसको दो बार प्रेस करोगे तो फ्रेंड आपकी जो यहाँ पर टॉर्च है ये चालू हो जाएगी। अभी यहाँ दिन है तो फ्रेंड दिन की रोशनी में आपको यहाँ पर टॉर्च दिखेगी नहीं इसमें कितना रोशनी दे रहा है, लेकिन अच्छा खासा रोशनी दे देता है ये आपका। उसके बाद जैसे डबल प्रेस करोगे तो ये जो है फ्रेंड्स आपकी लाइट बंद हो जाएगी लेकिन डिस्प्ले ऑन रहेगी। इसके लिए आपको लॉन्ग प्रेस करना होगा जिससे आपकी डिस्प्ले बंद हो जाएगी, ठीक है, ताकि आपकी जो बैटरी है वो बैटरी नहीं खाए आपकी डिस्प्ले, इसलिए ये बंद हो जाती है। अब इससे आपको मोबाइल चार्ज करके दिखा देता हूँ मैं आपको। तो ये मोबाइल है फ्रेंड्स, इसको मैं यहाँ पर शट डाउन कर देता ताकि आपको अच्छे से दिख जाएगा, ठीक है। ये मैंने मोबाइल है इसको स्विच ऑफ कर दिया यहाँ पर ताकि आपको लगेगा नहीं कि मैं कोई फेक वीडियो बना रहा हूँ। बहुत सारे बोलेंगे आपने एनिमेशन चालू कर दिया, तो फ्रेंड मैं अपने चैनल पर कोई फेक वीडियो नहीं बनाता हूँ, सारी वीडियो रियल होती है मेरी, ठीक है। तो इसको मैं डाटा केबल निकाल लेता हूँ और डाटा केबल से आपको चार्ज करके दिखा देता हूँ एक बार। तो ये फ्रेंड्स देख सकते हो इसमें जो पिन है फ्रेंड्स ये मैं लगा देता हूँ यहाँ पर। इसमें दो मोबाइल एक साथ चार्ज कर सकते हो फ्रेंड्स आप। तो ये फ्रेंड मैंने लगा दिया इसके अंदर, अब हमारा मोबाइल है इसके अंदर मैं लगा देता हूँ यहाँ पर। तो फ्रेंड ये मैंने यहाँ पर लगाया और जैसे देख सकते हो डिस्प्ले ऑटोमेटिक ही चालू हो चुकी है। इसका मतलब फ्रेंड्स ये है कि हमारा मोबाइल चार्ज होना चालू हो चुका है, यहाँ पर देख लीजिए आप। और ये जैसे फ्रेंड्स थोड़ी देर में ऑटोमेटिक डिस्प्ले बंद हो जाएगी ताकि इसका जो बैटरी हो डिस्चार्ज ना हो। तो ये यहाँ पर अभी परसेंटेज दिखा रहा और हमारा मोबाइल भी चार्ज हो रहा है यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर। तो फ्रेंड वीडियो कैसी लगी आपको मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय एवरीबॉडी।